दिल्ली सल्तनत पे हम लोग पूरे सेशंस को कर चुके हैं, एक एक टॉपिक चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो या इल्तुतमिश, और वहां से स्टार्ट करके लास्ट में हम लोग इब्राहिम लोदी तक का वीडियो बनाकर अपलोड किया जा चुका है। आज उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का कितना आप लोगों ने सीखा इस चीज का वो एक टेस्ट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो वाज, अमीर खुसरो जो थे वो थे क्या, थे पोएट, थे हिस्टोरियन, थे म्यूजिशियन, थे या ऑल ऑफ दीज। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको सारे ऑप्शन को देखना और समझना पड़ेगा, ठीक है, कि अमीर खुसरो एक्चुअल में क्या क्या थे। वो पोएट थे, बिल्कुल पोएट थे। क्या वो हिस्टोरियन थे, बिल्कुल हिस्टोरियन थे। क्या वो म्यूजिशियन थे, बिल्कुल म्यूजिशियन थे। यानी इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली। इनमें से किसे हिंदी में खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ठीक है, इनमें से किन्हें हिंदी में खड़ी बोली का जनक जो है वो माना जाता है, किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब कौन होगा, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या अब्दुल रहीम खाने खाना। सही जवाब आप में से क्या किसी को पता है कौन है, तो सही जवाब जो होगा वो कौन होगा, अमीर खुसरो। सही जवाब कौन होगा, अमीर खुसरो। हु वाज द ऑथर ऑफ तबकात ए नासिरी, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी जिक्र है कि तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है, तो मिन्हाज ए सिराज है, ठीक है, कौन है, मिन्हाज ए सिराज। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज पैट्रोनाइज बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली सुल्तान, दिल्ली दरबार के यानी दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा, सुल्तानों के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाता था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, समझ गया ना, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या अरेबिक का यूज किया जाता था, क्या टर्की का यूज किया जाता था, या पर्शियन का, या उर्दू का। तो इसका सही जवाब बच्चे जो है वो, ज्यादातर बच्चे जो है वो समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी कि मुस्लिम एम्पायर है, ज्यादातर रूलर्स, ज्यादातर नहीं, सभी के सभी जो है वो क्या है, मुस्लिम है, यानी उनका लैंग्वेज जो होगा वो कौन होगा, उर्दू। लेकिन नहीं, इसका सही जवाब होगा पर्शियन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि पर्शियन लैंग्वेज का वे लोग यूज करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेज वॉज, सेम क्वेश्चन लग रहा, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, अभी एकदम हाल फिलहाल पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है, क्या इल्तुतमिश लिखा है, नहीं, क्या बलबन लिखा है, नहीं भैया, तो ये तो क्रुएलिटी के लिए फेमस थे, अलाउद्दीन खिलजी तो ये पागल था किसी और चीज के लिए कि दुनिया में जो हर नायाब चीज है वो मेरा है ना, तो उसको इतना अपना बायोग्राफी लिखने का टाइम नहीं था। तो सही जवाब बताए थे एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाख बक्स इन द दिल्ली सल्तनत, मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लाख बक्स कहा गया है, किसे लाखों का दान देने वाला कहा गया। मैंने बताया था आप लोग को कि उसके दरबार में यदि कोई चला गया, शाह पिज्जा खाने का मन है ले जाओ, शाह मूवी देखने का मन है ले जाओ, जाओ मूवी आराम से आईनॉक्स में देख कर आओ। भैया ये पिज्जा और आईनॉक्स के लिए पैसे नहीं देता था लेकिन वो खूब दान करता था, तो वो व्यक्ति कौन था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब ए नंबर होगा, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, बहुत अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत पीरियड में वो लैंड नहीं था, इक्ता था, इक्ता बिल्कुल था, याद करिए इल्तुतमिश जो है वो इक्ता के लिए,
खालसा बिल्कुल था, इनाम बिल्कुल था, मनसब क्या होगा, मनसब इसका सही जवाब क्या होगा, मनसब। ठीक है, व्हाट वेयर द प्रोविंसेस कॉल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के दौरान जो प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे उसे किस नाम से जाना जाता था, हिज्र, इकताज, मुकद्दम और इनम। तो इसका सही जवाब होगा बी, बी इकताज, छोटे छोटे इकताज में बांट के रखा गया था। ठीक है, याद करिए ना कि इल्तुतमिश जो था वो नगद पैसा नहीं देता था, समझ गया ना, वो क्या देता था, एकता ही देता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हेडेड बाय अर्ज अ मुमालिक, ठीक है, अर्ज ए मुमालिक जो था वो कौन सा डिपार्टमेंट था, सर बढ़िया सवाल है ये सब, कंपटीशन लेवल का सवाल है ये सब। ठीक है, अर्ज ए मुमालिक जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता था, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट, सेना का डिपार्टमेंट होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द दीवान और दीवान ए रसालत, सर इसका जिक्र हम वीडियो में भी किए हैं, दीवान ए रसालत हेडेड बाय सदर, दीवान ए रसालत का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था, सदर। ठीक है, वॉज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से होता था, तो रिलीजियस अफेयर्स, किससे, रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों से जुड़ा होता था, इसका काम क्या था, फैसला करना, इसका काम क्या था, फैसला करना। दीवान ए रसालत जो था वो न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स यानी धार्मिक मामलों की वो जांच पड़ताल करता था, उससे फैसले करते थे। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के दौरान सबसे पावरफुल जो पोस्ट था वो कौन सा था, नाइब, वजीर, अरिज और सदर। तो सही जवाब क्या होगा, नाइब। ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी कल ही पढ़ाया हूं, इब्राहिम लोदी फाउट विथ हुम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो सही जवाब क्या होगा, बाबर। मैंने कल बोला था ना कि बाबर उधर से लेकर आया क्या, डाबर च्यवनप्राश। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, सर कल मैं पढ़ाया हूं, He was the governor of Multan and founded Sayyid dynasty. क्या मुहम्मद सा था, नहीं, क्या बहराम सा था, नहीं, क्या खिज्र खान था, बिल्कुल। और कल मैं बताया था कि ये मुल्तान एक समय किसी चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध था, यदि आपको पता है तो कमेंट करके आप हमें बताइए। ठीक है, और लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए कोही, सर पढ़ाया गया आपको, दीवान ए कोही वॉज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, के दिल्ली सल्तनत पीरियड में दीवान ए कोही कौन सा डिपार्टमेंट था, और मैंने बताया था कि इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली सल्तनत के सबसे बुद्धिमान, सबसे पढ़ा लिखा, नहीं बुद्धिमान नहीं कह सकते, सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ था, वो साहब एमबीटी थे, और वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर था। याद करिए कि दोआब क्षेत्र में पढ़ाए थे, दोआब क्षेत्र में उसने क्या कर दिया था, लगान में 50% की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन अगले ही साल वहां पे क्या हो गया, ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया, किसान लगान देने से भाग गए कि नहीं देंगे लगान, खेती बाड़ी करना छोड़ दिए। तो बाद में उससे गलती का एहसास हुआ और उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवान ए कोही की स्थापना किया। Who among the following सुल्तान constructed famous अलाई दरवाजा, पढ़ाया गया आपको सर, अलाई दरवाजा है ना, अ से अलाई दरवाजा और अ से अलाउद्दीन खलजी, है ना। ठीक है, और बताए थे हजार खंभों का महल, हजार खंभों का महल। ठीक है, Who among the following सुल्तान introduced dag and hulia system, मैंने बताया था कि सेना में सुधार के लिए उसने क्या किया था भाई, सैनिकों का पूरा बायोग्राफी डाटा लिखवाना शुरू किया था, घोड़े के ऊपर गर्म लोहे से दाग करवाने लगा ताकि कोई घोड़ा को भी चेंज नहीं कर सके। तो इनमें से कौन से शासक थे, तो सी नंबर, अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी। अमंग द फॉलोइंग विच सुल्तान फाउंडेड खलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी का स्थापना किसने किया था, बहुत सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा क्या, नहीं,
क्या जलालुद्दीन खलजी होगा? बिल्कुल होगा। कितने साल की उम्र में राजा बना था आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल, मैं सर कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों का, ठीक है, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा कि जलालुद्दीन खलजी की हत्या कहां पर हुई थी, किस जगह पर की गई थी, आपको पढ़ाया गया है ना, तो आप कमेंट करिए, पैसा नहीं लग रहा कमेंट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान इज फेमस फॉर हिज लार्ज स्टैंडिंग परमानेंट आर्मी, किस शासक ने विशाल और अस्थाई सेना का निर्माण किया था? तो आप दिमाग लगाइए कि सबसे लड़ाकू किस्म का शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में, कौन सबसे ज्यादा लड़ता था, किससे मंगोल तक खौफ खाते थे, याद करिए मंगोलों का खौफ है ना, जिस मंगोल से पूरे दिल्ली सल्तनत के शासक कांपते थे उस, लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिससे मंगोल भी खौफ खाते थे। तो भाई खौफ किसी के अंदर भर रहा तो उसकी सेना विशाल होगी तब ना, वो शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द नवरोज फेस्टिवल, पढ़ाया गया सर नवरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही साथ मैंने इसमें बताया था कि उसने पाबोस की प्रथा स्टार्ट किया था, पाबोस याद करिए, ठीक है, पाबोस याद करिए, पाबोस की भी प्रथा इसने शुरू किया था, वो शासक कौन था आपका, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज उलुग खान, उलुग खान के नाम से कौन प्रसिद्ध था सर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन? सर मैंने आपको बताया था कि बलबन का वास्तविक नाम जो था वो उलुग खान था, वीडियो निकाल कर देखिए दोबारा, ठीक है, बलबन का ही एक्चुअल नाम क्या था, उलुग खान था, ठीक है, वो अचानक शासक नहीं बना था, वो इल्तुतमिश के टाइम से दिल्ली के दरबार में था, समझ गए ना, और वो दिल्ली दरबार में इल्तुतमिश के टाइम में जो उसने 40 गुलामों का दल बनाया था उसमें वो भी एक था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रूलिंग द दिल्ली सल्तनत व्हेन चंगेज खान इन्वेडेड सेंट्रल एशिया, बहुत जबरदस्त कहानी आपको हम सुनाए थे, है ना, कि दिल्ली दरबार, दिल्ली सल्तनत में उस समय शासक कौन था जिस समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। तो याद करिए कि मैंने आपको कहानी सुनाया था कि ख्वारिज्म का शाह का पीछा करते करते चंगेज खान कहां घुसा था, इंडिया, है ना, लेकिन जैसे इल्तुतमिश को पता चलता है कि ख्वारिज्म शाह मेरे पास बचने के लिए आया है, लेकिन किससे बचने के लिए आया है, चंगेज खान से, तुरंत उसको विदा किया कि भैया खाया पिया अब निकलो, मेरी जान पे मत आ जाओ, ठीक है। तो सही जवाब कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, किसने, देखिए एक आपको पढ़ाया गया है कि जिसने दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया था, एमबीटी, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला कैपिटल कौन था, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन लाहौर से दिल्ली कौन लाया था सर, ये स्टार्टिंग की कहानी है, आप शुरू से सुनिए, सेकेंड वीडियो इल्तुतमिश का, मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, लेकिन वो दिल्ली में कभी नहीं आता था, शायद ही आया, वो कहां से शासन कर रहा था, लाहौर से, वो डरता था क्योंकि मोहम्मद गौरी के तीन और थे कमांडर इन चीफ, कौन, एल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी, डरता था कहीं गए दिल्ली तो भेज ना दे ऊपर, है ना, तो वो लाहौर से ही वो शासन चलाया, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, समझ गया ना, ठीक है। आपसे मैं फिर यहां पे एक सवाल कर रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पे है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पे दफन किया गया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पे दफन किया गया, आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है ना 1210 ईस्वी में कौन सा गेम को खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी, तो चौगान या पोलो,
कहीं कहीं पे चौगान शब्द का यूज करता है, पोलो तो आप समझ रहे हो, लेकिन कहीं कहीं चौगान शब्द का भी यूज करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हाँ, आफ्टर द नेम ऑफ विच सूफी संत, किस सूफी संत के नाम पे कुतुब मीनार का नाम रखा गया है, तो मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक सूफी संत जिनसे बहुत प्रभावित थे, उनका नाम क्या था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसी के नाम पर उसने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखवाया था। ठीक है, आपको यहाँ पे जवाब देना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में और किन किन शासकों का योगदान रहा, स्टार्ट कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसे पूरा किसने कराया ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, बहुत आसान है, पहला गुलाम शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक क्या कौन था, क्या अलाउद्दीन खलजी था, क्या इल्तुतमिश थी, हाँ, या क्या रजिया सुल्तान थी, नहीं, तो सही जवाब कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पूरी कहानी सुनाया हूं कि कैसे ये बिकते 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 कैसे ये आया था, है ना, गौरी के पास। हु वाज सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का, ठीक है, एमबीटी का सक्सेसर कौन था, तो एफएसटी था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, हु इन्वेडेड दिल्ली इन 1526, 1526 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था, कल का वीडियो में मैंने बताया हूं, है ना, बाबर ने, है ना, और कौन सा बैटल होता है, द बैटल ऑफ फर्स्ट, है ना, पानीपत का पहली, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना किसने किया, गयासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन या जलालुद्दीन, किसने किया था, तो याद करिए मैंने बताया था जीएसटी, है ना, जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी, है ना, तो किसने किया था, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान टूक अवे प्लेंटी ऑफ वेल्थ टू दिल्ली फ्रॉम देवगिरी, है ना, किस शासक ने बहुत सारा धन दिल्ली से देवगिरी लेकर गया, तो भैया याद करिए जिसने कैपिटल को चेंज किया था, देवगिरी को ही दौलताबाद, है ना, तो कौन लेके गया था, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली, किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था, क्या चौहानों ने किया था, क्या तोमर्स ने किया था, क्या टर्किस ने किया था, या खलजी डायनेस्टी ने किया था, तो इसका सही जवाब आप कहानी याद करिए सर पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान, अभी हड़बड़ी मत करिए, पृथ्वीराज चौहान की कहानी याद करिए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो था उनके एक नाना जी थे जो तोमर डायनेस्टी के शासक थे, अनंगपाल, ठीक है, तोमर डायनेस्टी के शासक थे कौन, अनंगपाल, और उनकी राजधानी थी दिल्ली, और इसी दिल्ली की ख्वाहिश पृथ्वीराज चौहान में भी था और जयचंद में भी था, लेकिन ये दिल्ली मिल जाती है किसको, पृथ्वीराज चौहान को, और यही वजह रहती है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में दुश्मनी हो जाती है। कहानी पूरा देखिए, इसका सही जवाब बी होगा, तोमर राजपूत रूलर्स ने। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आज का सेशन समाप्त होता है, यदि वाकई में पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, धन्यवाद।